No, you're back, I don't know. I don't have my specs, people. I don't have my chashma. Can someone bring my chashma for me? My chashma. I can't see. Oh, you know, I've been just... Front side. Aim in the center. I'm doing after so long. No, aim in the center, just aiming on the normal 6 o'clock. Yeah. Adat se majboor. Good. Yeah, 47. Yeah, aiming. He's down five. Yeah. Yeah. Keep pressing through. No. Start again. Yeah. I've got a shoulder injury. I'm not doing it. No, but until I the Najbali, you know, so doing all lifts and all the dancing. So there's a drop dead which I used to do, where they're supposed to give me twice. Wait, I'll finish shooting this. Okay. Actually, that's a nine. I can see that. Yes, so, those guys, instead of giving me equal pressure, like, you know, in equal force, so this is not for that. Ma'am, ma'am. No, no, I couldn't move this, apply any force. I can't apply any force, such a bad thing. That October's been long, 3 months. October, November, December. Ah, yeah, yeah. Yeah, 6 months. Hello, how are you?
आपको भी बधाइयाँ. ये छत्रभुज नर्सरी स्कूल के पास से आप आई हैं इनॉग्रेशन के मौके पर, तो आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ फीलिंग है. पहली बात तो ये बहुत ही एक आई थिंक कहूँगी एक बहुत ही प्राइड वाला दिन है, क्योंकि आज हम लोग का रिपब्लिक डे है. एंड आई थिंक एक वो जो आज़ादी की सेंस है और जो हमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स छोड़ गए हमारे हाथ में, हम लोग को लाइक अ गिफ्ट के इन्जॉय योर फ्रीडम एंड इन्जॉय द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं. वे आर वेरी ग्रेटफुल एंड वे आर वेरी वेरी हैप्पी दैट वी आर हियर एट द स्कूल. मैं एक स्टूडेंट हूँ जमुना बाई नारसी की, लेकिन दिस इज़ छत्रभुज नारसी स्कूल. दिस इज़ अनदर स्कूल टू जमुना बाई, बट इट इज़ स्टिल माई स्कूल एज़ वेल. तो मेरे लिए तो बहुत ही एक प्राउड मोमेंट फील हो रहा है, क्योंकि जब यहाँ आके फैसिलिटीज़ देखती हूँ जो बच्चों को मिल रही हैं, चाहे वो ओलंपिक साइज पूल हो या शूटिंग रेंज अब खुला हो, और वो भी शूटिंग रेंज इनके हाथों से जो हमारी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, उससे बेहतर क्या. सो आई थिंक इट इज़ अ डबल ऑनर फॉर मी, ए बिकॉज आई एम एन एक्स स्टूडेंट, बी दैट आई एम स्टैंडिंग विद दी हिना सिद्धू राइट नाउ एंड शूटिंग सम बुलेट्स. कुछ दिन पहले जमुना बाई स्कूल का 50 साल कंप्लीट सालगिरह हुई थी जी. सो कितनी खुशी होती है जिस स्कूल से आप पढ़ी हैं और इतने साल कंप्लीट हो गए. जैसे कि मैंने कहा, खुशी तो बहुत ही लफ्ज़ों में इजहार कर सकती हूँ मैं, लेकिन इस समय वो मौका नहीं है. मौका इस समय खुशी का ये है कि जिस तरीके से आज कल हमारे स्कूल्स जो नई पीढ़ी है, इतना है उनको, इतना वाइड रेंज है उनको ऑफ़र करने के लिए, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हो या टेक्नोलॉजी हो, उसमें एक सेंस ऑफ प्राइड महसूस करता है इंसान. एंड आई थिंक मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी जो पूरी फैमिली है, एंड एक्चुअली सुजय से पहले उनके डैडी ही थे जो सब संभालते थे. तो क्या बोलूँगी उनके बारे में, वो हमारे इतने सीनियर हैं जयराजियन. एंड द फैक्ट बीइंग के हमारे स्कूल से ताल्लुक़ वो पहले रखते थे जब मैं स्टूडेंट थी, एंड अब मैं सुजय को देखती हूँ, वो इतना सारा कर रहा है बाकी बच्चों के लिए, आगे की पीढ़ियों के लिए, तो बहुत ही बेहद खुशी होती है. एंड ओवर टू आर ओलंपिक चैम्पियन. आप वर्ल्ड के नंबर 1 पिस्टल शूटर रह चुकी हैं, सो आज रवीना मैम के साथ शूट करते हुए कितना. देखो आज तक मैं अखियों से गोली मारती थी, रवीना जी हैं वो रियली गोली मारी है. रवीना इज रवीना, आई नो रवीना बिकॉज शी इज़ वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स आल्सो, वेरी गुड स्टूडेंट आई मस्ट से, शी इज़ वेरी गुड एट शूटिंग. हस्बैंड है वो मेरे कोच हैं, या पंडित जो इनके भी कोच हैं. यस, सो वी हैव वी आर यस, सो वी हैव अ कॉमन कोच, शी इज़ वेरी गुड शॉट. And it's a matter of pride for us that we are trying to give something like this to the next generation on a day like this. So I'm very happy that this school has come up with yet another achievement, you know, opening an Olympic level shooting range for the students, and they have already started talking about how to bring the other events also. So they are always talking about improving, and I'm very happy to be part of this team and part of their endeavor to give back you know, to the sport, to the next generation, and especially on this date. So it's all coming together, I think. मतलब ऑलरेडी हिंदुस्तान जाना जाता है, माना जाता है, जो हमारे शूटर्स हैं, चाहे वो 10 मीटर्स रेंज हो या 25 मीटर रेंज हो या उससे भी आगे 50 मीटर रेंज हो, लेकिन अब जो हमारे स्कूल्स ने ये स्पोर्ट को इंट्रोड्यूस किया है, वो आई थिंक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. एंड ये जो रेंजेस खोल रहे हैं और हमारे एथलीट्स जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो ये इनकरेज कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद से ये सब हमारे यंग बच्चों को मौका मिलेगा अलग अलग स्पोर्ट्स करने का. तो आप आगे की पीढ़ी समझिए कितने और ज़्यादा मेडल आने वाले हैं हिंदुस्तान में. तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. एंड जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हिंदुस्तान वैसे भी जाना पहचाना जाता है फॉर आर शूटर्स. हाल ही में वो इवन दो 60-year-olds जिनके ऊपर पिक्चर भी बनी थी सांड की आँख, तो अगर वहाँ तक पहुँच सकता है और लोगों को और इंकरेजमेंट मिल सकती है कि आइए और इस स्पोर्ट को अपनाइए, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फ्यूचर है. दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस स्पोर्ट, दैट एनीबॉडी ऑफ एनी एज फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, no matter how much time they can get out of their day, be it half an hour, be it 2 hours, they can all come and
यू नो स्टार्ट दिस सबसे बड़ा एग्जांपल हूं यस आपने बोला कि आप ट्रेनिंग के लिए सो आपको कब इंटरेस्ट आया मैं एक्चुअली बहुत सालों से मुझे इंटरेस्ट था लेकिन प्रोफेशनली जो एक अच्छा कोच मिलना बहुत ज़रूरी बात होती है एंड आई वाज वेरी हैप्पी जब सुजय ने मुझे रौनक जी से इंट्रोड्यूस कराया तो मेरा बेड़ा पार हो गया आई एम हैप्पी ओके थैंक यू ये भी जानना चाहूँगी कि आप हाँ शी स्टॉपिंग मी सी बदलाव लाना चाहती हैं क्या कुछ बदलाव आने चाहिए बहुत लंबी लिस्ट है लेकिन पहले मैं एक ही चीज़ से स्टार्ट करूँगी और एक ही चीज़ कहूँगी कि मोहब्बत शांति और कंपैशन जिसे कहते हैं एक दूसरे की मदद करना एक दूसरे के बारे में सोचना वो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में नहीं मुझे लगता है पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कमी पड़ रही है तो आई फील जो हमारे आगे की जनरेशंस हैं उनको काइंडनेस कंपैशन एक दूसरे की मदद करना एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना एक दूसरे की रक्षा करना वो सिखाना बहुत ज़रूरी है एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर अ ग्रीनर बेटर इंडिया एंड अ बेटर प्लानट थैंक यू सो मच थैंक्स Thank you.